इतिहास की किताबों को अब बदला जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि गजनी, गौरी, बाबर, तैमूर, औरंगजेब की अब महानता नहीं पढ़ाई जाएगी, उनको आतंकी और लुटेरा बताया जाएगा, जो कि सच है। ये योगी जी के हिसाब से सच है, हो सकता है आपके लिए सच, जो कि सरासर झूठ है। मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए और इस देश के लिए जो कुर्बानी दी है, कोई माई का लाल दे नहीं सकता। ये अलग बात है कि हम लोगों की वो आदत नहीं, हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया, ऐसा किया, वो पहाड़ उतारा, ये पहाड़ काटा, ये आदत हम लोगों की नहीं है अपने किए हुए को एहसान की तरह दिखाने की। मुल्क के लिए किया और अपने मुल्क के लिए किया, ये कोई एहसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को एहसान गिनवाने का अब वक्त आ चुका है, अब इन लोगों को याद दिलाने का टाइम आया है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है। क्योंकि कुछ चीजें ना बोली जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ती जाती है, और हम लोगों ने भी यही गलती की है। लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। अब मुसलमानों ने क्या किया है ये बार 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 सुनाती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी। तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हो ना कि हिंदुस्तान से निकल जाओ, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, कोई माई का लाल यहाँ से निकाल नहीं सकता, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारे बाप दादाओं का है, और जितना हक तुम्हारा उतना हक हमारा, कोई हमारे जमीन से, हमारे मुल्क से हमें निकाल नहीं सकता, कोई माई का लाल, चाहे जितना चाहे प्रोपोगंडा फैला लो, मुल्ले काटो, मुल्ले मारो, वो चाहे जितना कर लो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ भौंकोगे और भौंक कर निकल लोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। अब सुनते जाओ और देखते जाओ कि मुसलमानों ने अपने मुल्क के लिए क्या किया है, और तुम जैसे नफरत फैलाने वालों की औकात ही नहीं है। कुछ लोग, कुछ जो तुम जो नफरत फैला रहे हो मुसलमानों के लिए, खास वर्ग के लिए, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है। देखते जाओ और सुनते जाओ, दिमाग हो तो दिमाग खोल कर देखना, और कान हो तो कान खोल कर सुनना। वो अलग बात है कि दिमाग में गोबर भरा है, बात घुसेगी नहीं, दूसरे तरह से ही लोगे, लेते रहो, सच्चा सच जो है वो हमेशा सामने आएगा और आता रहेगा, तुम्हारे बकवास करने से कुछ नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला पहला शख्स एक मुसलमान था? मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए सबसे पहले हथियार उठाए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलमानों ने ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जो कुछ ही दिनों में पूरे भारत में फैल गई। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके द्वारा बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। मुसलमानों ने इस आंदोलन के समर्थन में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। अगर शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही न दी होती तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ने से बच जाते। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आज़ादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 से अधिक उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हों। मुसलमानों ने ही भारत की आज़ादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज कभी भारत में दाखिल न हो सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्ला खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आज़ादी में योगदान दे सकें। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे।
मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लकब दिया। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने देश के लिए और भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और बहुत सारी चीजें की हैं, और इस तरह की वीडियो और भी लाती रहूंगी, और भी है मेरे पास। तो आखिर में बोलने का मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, सब धर्म एक साथ मिलकर चलो, क्योंकि देश की हालत बहुत खराब है। इस नफरत के चक्कर में और भी डूबती जा रही है। सच में अगर मुल्क की भलाई चाहते हो और देश की भलाई चाहते हो तो सब मिलकर एक साथ चलो, कोई अकेला नहीं चल सकता। ये पांच उंगली मिलकर एक मुट्ठी बनती है, एक उंगली को आराम से तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। तो ये जो भ्रम में बैठे हो ना, ये भ्रम अपना छोड़ो, सबको मुट्ठी बनाकर लेकर चलो साथ में, अगर सच में भलाई चाहते हो